एक्सीडेंट ऑन हिल रोड जो है वो एक असली घटना पे आधारित पिक्चर है। ये घटना 1990s में अमेरिका में घटी थी और इस पर ऑलरेडी एक इंग्लिश फिल्म बनाई जा चुकी है, लेकिन ये उस फिल्म की कॉपी नहीं है। ये उस घटना की घटना को मद्देनज़र रख के इंडिया में उस घटना को अडेप्ट किया गया, उस स्टोरी को री अडेप्ट किया गया है और सिचुएशनल जगह है हिल रोड एंड हिल रोड के आसपास उस घटना को री अडेप्ट किया गया है और उस असली घटना को री एनैक्ट किया गया है। फारूक साहब जो है एक ऐसे एक्टिंग जॉनर को बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही सीरियस जॉनर है एक्टिंग का, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मौका मिला एज अ लीडिंग लेडी उनके साथ काम करने का। देखिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ ब्रिलियंट। एक ही ट्रैक है पिक्चर में क्योंकि ये असली कहानी पे आधारित है। म्यूज़िक डालना पिक्चर को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, एंड म्यूज़िक है, एक गाना है, वेरी गुड बैकग्राउंड स्कोर, पिक्चर का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है एंड इंग्लिश फिल्म्स के लाइंस पे बनाई गई है ये पिक्चर। देखिए, ये जो कैरेक्टर है, पहली बात तो ये है कि ये एक असली, जैसा कि मैंने कहा, असली घटना पे आधारित है ये कहानी, एंड ये चीज़ ने मुझे बहुत एक्साइट किया क्योंकि काफ़ी इतने कॉमेडीज़, सक्सेसफुल कॉमेडीज़ करने के बाद, रोमांटिक फिल्म्स करने के बाद, मैं चाह रही थी काफ़ी अरसे से कि कुछ अलग करूं, कुछ संजीदगी वाली चीज़ करूं, लेकिन ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी जो मुझे कन्विंसिंग लगी। मैं चाह रही थी कि जब मैं अपना डेब्यू करूं संजीदा मूवीज़ में, एक बिलीवेबल स्क्रिप्ट होनी चाहिए, यू नो, लोगों को नहीं लगना चाहिए कि एक्टिंग कर रही है, इट शुड बी वेरी बिलीवेबल। एंड इस कहानी को सुन के, पढ़ के, इसका सारा इस कहानी के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च भी की करके, मुझे लगा कि हाँ, इस कहानी में वो ताकत है जो एटलीस्ट लोगों को ज़रूर बहका पाएगी, वो ताकत बुला पाएगी सिनेमा तक देखने को, कि असली ज़िंदगी में फिल्मों से ज़्यादा ड्रामा होता है।